जितनी बड़ी सिटी उतने छोटे घर. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम स्पेस सेविंग फर्नीचर टिप्स दैट यू कैन यूज इन योर हाउस टू मेक योर हाउस लुक बिगर. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर. लेट्स गो इन एंड सी वॉट वी हैव टू ऑफर यू इन स्पेस सेविंग फर्नीचर. फर्स्ट स्टेप, आज जब हम सिर्फ स्पेस सेविंग फर्नीचर की बात करते हैं, सो लॉट ऑफ कोलैप्सिबल फर्नीचर इज इन डिमांड. सो यू कैन यूज अ डाइनिंग टेबल विच कैन बी कोलैप्स, यू कैन यूज अ स्टडी टेबल दैट कैन ऑल्सो बी कोलैप्स, यू नो वो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. सेकेंड टिप इज, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है विच यू डू नॉट रिक्वायर, जस्ट थ्रो इट आउट और जस्ट सेल देम ऑफ. वॉट एवर यू डोंट नीड, गो टू योर हाउस, सी वॉट एवर यू डोंट नीड, डू नॉट पुट इन, उसको मत डालो. अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स मत डालिए जो आप नहीं यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोफे के साइड टेबल यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर मत डालिए, उसकी जगह एक छोटा सा लैम्प या एक छोटा सा वास लगा सकते हैं. इस छोटी सी टिप से ही आपका ड्रॉइंग रूम बड़ा दिखने लगेगा. बंक बेड्स फॉर अ किड रूम, अगर आपको स्पेस परमिट करती है सो क्रिएट अ बंक बेड. Bunk bed not only saves lot of space but also give you lot of play area for your kids to play. वो automatically bathroom बड़ा बड़ा दिखने लगेगा even if उसका size छोटा है. ज़रूरी नहीं है bunk beds double sized हों, वो उसको single या top line भी बनाया जा सकता है. Next step is use a futon rather than a bed or a sofa. If you do not have many guests coming in every now and then, तो आप उसको सोफे को फुटॉन की तरह क्रिएट कर सकते हैं. और यू कैन बाय अ फुटॉन विच इज़ अवेलेबल एट लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स, आप वहाँ जाके किसी से भी एक फुटॉन ऑर्डर कर सकते हैं. इट विल सेव लॉट ऑफ स्पेस बट विल ऑल्सो मेक इट लुक बिगर एंड नाइसर. यूज शेल्व्स, आई ऑलवेज से अगर ज़रूरत आपके पास है और अगर आपको लगता है कि कुछ एक वॉल पे शेल्फ्स क्रिएट करी जा सकती हैं, सो क्रिएट दो शेल्फ्स इन 2, 3 or 4 फॉर्मेट्स सो दैट यू कैन ऐड लॉट ऑफ एलिमेंट्स देयर. इवन इफ योर एलिमेंट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, यू कैन कीप योर डेकोर एलिमेंट्स, उससे वो स्पेस भी बड़ा दिखेगा एंड ऑल्सो इट विल लुक नाइस. यूज नेस्टेड टेबल्स, सो दीज टेबल्स आर वाइडली यूज एट वेरियस प्लेसेज ऑफ द हाउस. अगर आपके बेडरूम में यू डोंट हैव बिगर स्पेस फॉर अ बिगर टेबल, आप एक नेस्टेड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं. वो उसको कभी आप साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं या यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर अ स्टडी टेबल. और इवन इफ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग आउट, अगर आपको कुछ खाना भी है थोड़ा सा, तो भी आप उस टेबल पर जाकर खा सकते हो. सो दैट मीन्स योर नेस्टेड टेबल कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज. यूज़ अ स्लीक स्टडी टेबल, अगर आपको नीड है स्टडी टेबल की अपने बेडरूम में, डू नॉट ट्राई टू कीप अ हैवी स्टडी प्लस स्टोरेज टेबल. एक छोटी सी स्टडी टेबल बना लीजिए, एक स्लीक स्टडी टेबल बना लीजिए. अगर वो कलैप्स हो जाए और फोल्ड हो जाए तो और भी अच्छा है. अगर आपके पास डाइनिंग टेबल रखने की ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि यू कैन हैव अ कलैप्सेबल डाइनिंग टेबल एंड ऑल्सो जो उसकी चेयर्स हैं उनको आप स्टैक चेयर्स भी बना सकते हो. सो आपको अगर नीड नहीं है सो आप दो चेयर्स या तीन चेयर्स को स्टैक करके एक जगह पर ऐसा रख दीजिए एंड उसके ऊपर एक बुक फ्रेम या एक पेंटिंग लगा दीजिए, सो दैट वो चेयर्स का स्टैक भी एक अच्छा डेकोर का एलिमेंट बन जाए आपके घर में. आई होप यू लाइक माई स्पेस सेविंग फर्नीचर टिप्स. अगर आप अपने घर में इनको यूज़ करेंगे तो इट विल सेव लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर टू हैव एज बिगर स्पेस एज पॉसिबल. उसको खुला खुला रखिए, उसको ज़्यादा फर्नीचर मत रखिए एंड ऑल्सो कीप अनवॉन्टेड जो भी आपके आइटम्स यूज़ नहीं आप करते हैं उनको हटा दीजिए, उनको घर में मत रखिए. बिफोर यू गो आउट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन बटन देयर. थैंक यू.